सच बताएं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपके लिए कर रहे हैं कि आपकी बेटी साक्षी ना हो जाए। हम इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारे मंदिरों पर सोमनाथ जैसा कभी दोबारा हमला ना हो। हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जीते जी उन मां बाप से पूछना जिनके बच्चे घर छोड़कर दूसरे मजहब में चले गए, जिनकी बेटियां घर से भाग गईं, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, यहीं दिल्ली में यमुना के पास पाकिस्तानी हिंदू हैं शरणार्थी, उनको रहने के लिए निवास नहीं है, लाइट नहीं है, उनके पास जब जाओ और पूछो कि वहां पाकिस्तान में क्या हाल था, उनकी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया गया, 13-13 साल की बच्ची को उठा ले गए। पर हम नहीं चाहते कि हमारे भारत में तुम लोगों की बेटियों के साथ ऐसा हो। सिर्फ हिंदुत्व की बात, सनातन की बात हम इसलिए बोलते हैं, क्षमा करना, जो पुलिस में भी है उनके ऊपर भी कितने हमले कहां कहां नहीं हुए बंगाल में। हम नहीं चाहते लौटकर हमारे राष्ट्र के इन सिपाहियों के ऊपर कोई उंगली उठाए, इसीलिए हम हिंदुत्व की बात करते हैं, इसीलिए हम सनातन की बात, हमें कोई शौक नहीं चढ़ा है, ना हमें यश पाना है, ना हमें सम्मान, ना हमारी कोई पार्टी है कि हमें राजनीति करनी, हमारी हमें कौन सी राजनीति करनी, हम तो तुम्हारे लिए बोल रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए बोल रहे, तुम्हारे लिए जी रहे, वरना हमारा दरबार अच्छा खासा चल रहा है, दरबार में कोई कमी नहीं, हम तो प्रोफेशनली लाइफ जी लेंगे, ज्यादा परेशान होंगे प्रोफेशनली लाइफ जी लेंगे, अपना दरबार लगाएंगे, बस अपने आराम से रहेंगे, न लेने माधव का न देना माधव का, लेकिन क्या इससे राष्ट्र का भला होगा? नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए जी रहे, इस वीडियो को जरूर तुमसे प्रार्थना है कि तुम्हारे अंदर अगर जमीर है जागो। हम ये नहीं कहते तुम सपोर्ट करो हमारा, तुम्हें जहां जो करना वो करो, लेकिन हां बात जब सनातन की आ जाए तो प्लीज चुप मत बैठना। इसलिए नहीं, बाइकॉट करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम भी नहीं चलेगा, जो ऐसा चलाए और जो ऐसा करे उसको देखना, उसके पंडालों में जाना बंद कर दिया जाए। अब बाबर का देश नहीं, रघुवर का देश है यार, बिफिजूली, हमने राम के लिए इतने साल कोर्ट में माथा पच्ची की, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं खुलकर कर पा रहे, राम की यात्राओं में पत्थर लग रहे, पाल घर में संतों को पत्थरों से पीट पीट कर बर्बरता निर्दयता से मार दिया जाता, लोग कहते तुम चुप बैठो। और हां हमारे बोलने से, तुम्हारे जय श्री राम केवल मोबाइल चलाने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी और जैसे को तैसा जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई राजनेता नहीं है कि तुमने ताली पीटी और वोट दिया हम चले गए। हम सनातन के सिपाही हैं, जब तक तुम्हारे अंदर जुनून और जोश नहीं भर देंगे, जब तक तुम्हें सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हमें राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। और आज तुम जवाब नहीं दोगे, कल तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, 5-6 प्रदेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, यूपी में भी हो जाओ, भारत में भी हो जाओ। तो अगर नहीं ऐसा चाहते हो तो आओ, चाहते हो तो ठीक, तुम्हारी इच्छा, हम तो बोल सकते हैं, नहीं चाहते हो, तुम्हारे अंदर जमीर है, हमारे पूर्वजों ने राम के लिए अपने प्राण त्यागे हैं, भारत के लोगों तुम्हारे पूर्वजों ने संस्कृति और संस्कार और भारत को बचाने के लिए बलिदानियां दी हैं,
और तुम इसको थोथा बनाकर गुलाम मत बनवा देना। दूसरी बात, भारत में 80% सनातन हिंदू रहता है, 20% अन्य मजहब के, और 20% जब अन्य मजहब के हैं, वो तुम्हारा ये हाल है कि तुम अपनी बात नहीं बोल पा रहे। जिस दिन तुम 50% से नीचे आ जाओगे, घरों में नहीं रह पाओगे। और कोई भड़काऊ बात नहीं है, बहुत ही जगाने वाली बात हो, इसके बाद अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। हम तो देखो जगाने आए हैं, जगाने की ही बात करेंगे। बोलो जय सियाराम। तो कौन कौन तैयार है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए? ऐसी खबर जो भी चला रहा है, कौन कौन जवाब देगा? आज ही पक्का पक्का। चलो देखते हैं।